बॉस। ये सब यूट्यूब या इट्स बीन अ वीक ऑलमोस्ट, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट वन एंड हाफ वीक कि मैं जिम नहीं गया हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी क्योंकि एक बार मैं राइड नहीं कर सकता बट जिम जाना इज़ एसेंशियल थिंग फॉर मी। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके वजह से नहीं गया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन जिससे मैं अभी जा रहा हूँ। सो थोड़ा अजीब लग रहा है बट आज मेरे न्यू जिम का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट वर्कआउट करेंगे आज न्यू जिम में। होपफुली मैं थोड़ा बहुत छूट करने का ट्राई करूँगा क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ न्यू जिम तो लोग भी न्यू हैं तो एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी। सो आज से एक न्यू जर्नी की शुरुआत करेंगे। ये जर्नी थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है बट होपफुली इसको सक्सेसफुली अचीव करेंगे। ये जो गोल्स है मेरे न्यू गोल को सक्सेसफुली अचीव करेंगे। अभी फ़िलहाल एरन को गर्म कर रहा हूँ एंड देन सी यू गाइस इन द जिम। वर्कआउट बहुत ही सही था, चेस्ट एंड ट्राइसेप मारा मैंने और पंप बहुत ही इंसेंट था। बहुत टाइम बाद वर्कआउट किया और ऊपर से मेरा फेवरेट वर्कआउट था आज तो वो किया, बहुत सही लग रहा है। एंड अपनी जो जर्नी है उसका स्टार्ट भी एकदम सही हुआ है, अच्छे से हुआ है। सो अभी एक थोड़ा फिजिक चेक कर देते हैं। That was it, मेरा फिजिक चेक। थोड़ा आउट ऑफ द शेप लग रहा होगा
बट जल्दी शेप में आएंगे। एंड जिम टूर मैं फिर कभी करूँगा। बेसिक सा जिम है, जो नेसेसरी मशीन्स है वो सब है, एरिया भी अच्छा खासा है। सो या अभी मैं घर पे जाऊँगा, प्रोटीन शेक पीऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा एंड लंच करके कॉलेज को जाऊँगा। इफ़ यू गाइस नो, मेरे को कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो कॉलेज को जाऊँगा, उसके बाद सीधा शाम को मिलता हूँ। हाय, इट्स अ नेक्स्ट डे। कल मैंने शूट नहीं किया कुछ, आज अभी मैं अभी रश में हूँ बहुत ही, क्योंकि मेरे को अभी बाइक रॉयल एनफील्ड में देनी है, क्योंकि उसका पीछे का टायर का लाइनिंग है वो बराबर नहीं है, वो बहुत पहले से प्रॉब्लम थी, बट टाइम नहीं मिला मेरे को करने के लिए। सो अभी जाके मैं रॉयल एनफील्ड में बाइक दे दूँगा एंड ऋषि मेरे साथ आने वाला है, क्योंकि उसके बाद मेरे को कॉलेज भी जाना है। भाई साहब, बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, सो आई होप इस बार व्लॉग का मोटो व्लॉग मतलब ऑडियो सही से आएगा। बाय द वे, मैंने आज ब्रसील का हेलमेट पहना है। सो ब्रसील का हेलमेट एक्चुअली ऋषि के पास था, तो उसी के पास से लेने के लिए आया था मैं अभी हेलमेट। बाइक अभी प्रॉब्लम फ्री है, खाली एक ही वो टायर लाइनिंग का प्रॉब्लम था, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। बाइक एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट फ्रेम में। बाय। चल। सो बाइक का काम हो गया है। रॉयल एनफील्ड गया था तो उन लोगों को दिखाया, तो उन्होंने पहले पूछा कि बाहर गाड़ी किधर खोला था क्या। मैंने बोला कि खाली आगे का टायर में पंचर हुआ था, इसीलिए मैंने वो पंचर निकालने के लिए उसने किया था। उसमें से एक जो टेक्नीशियन था वो बोला कि यहाँ पे एक टायर वाला है, वहाँ पे जाओ, उनको बोलो कि पूरा हवा निकालने के लिए एंड देन वॉल्व निकाल के टायर डिसमेंटल कर देंगे और खाली हवा भरेंगे फिर से और लाइनिंग हो जाएगा। इतना सही काम था, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बड़ा प्रॉब्लम था ही नहीं, बट मेरे को एक फॉर अ सेफो साइड मैंने टायर लाइनिंग करवा लिया। अभी मामू के पास है, मामू को दिखाता हूँ गाड़ी एंड देन ऑयलिंग करके लाते हैं घर पे। सो लास्ट टाइम के बाद कॉलेज में गया, लंच किया। अभी कॉलेज छूटा है, आज खाली 3 लेक्चर थे। सो अभी तक 3:50 और है। सो अभी घर पर जाऊँगा, फ्रेश आऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड देन जिम में जाऊँगा। तो सीधा मिलते हैं जिम में। फिनिश्ड, बहुत ही सही वर्कआउट था। बैक बहुत ही ज़्यादा पम्प हुई, डेडलिफ्ट मारा, उसके बाद मशीन्स मारे। तो मशीन में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बट बहुत ही सही वर्कआउट हुआ। अभी पहले शेक पीऊँगा, प्रोटीन शेक, उसके बाद घर जाऊँगा, फ्रेश होऊँगा एंड फिर नीचे जाना है। बाय द वे, आज चिन्मय का लास्ट डे है इन पनवेल, देखो एग्जैक्टली पता नहीं है, शाम को उसको मिलते हैं और फिर देखते हैं। सो इस बार मेरे को लग रहा है कि बॉडी थोड़ा अच्छी से होगा, वेट में प्रोग्रेस लग रहा है मेरे को एंड अभी जा रहे हैं ये भाई साहब के स्पेक्स लेने के लिए।
भाई साहब ने न्यूज पैक्स तोड़ दिया, क्या बोलने का। इसका एक्चुअली फ्रेम टूट गया था तो वो ठीक करने दिया था, लगा नहीं था ठीक होगा बट फाइनली हो गया है। अभी थैंक्स लेकिंग स्टार्ट स्पॉन्सरशिप दे दो। सो अभी घर पे नहीं ड्राइव इट हैदराबाद जा रहा है इसीलिए दे रहा हूँ। तो अभी सीधा किधर मिलते हैं पता नहीं, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। यू आर द फाइनेंसर। तो मैं कुछ नहीं दे रहा, सॉरी सर। सो हम लोग काम करके आए पूरा जो भी था जितना, अभी थोड़ा पेट पूजा क्योंकि ये भाई का लास्ट दिन है पनवेल में, सॉरी। सब माइनस योगर्ट थोड़ा बार अरे मीठा नहीं मिर्चा सो दैट्स इट। हम लोग मस्त चिल वाइब करते करते और मस्त एंजॉय करते करते एक टाइम स्पेंड किया। थोड़ा बुरा लग रहा है, भाई का लास्ट दिन है पनवेल में, लास्ट दिन है, हैदराबाद जा रहा है। क्यों? इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप ये HM IHM कर रहा है, तो IHM में आई गेस फोर्थ सेम ना। हाँ तो फोर्थ सेम उसकी पूरी एक इंटर्नशिप में जाते हैं, तो उसका इंटर्नशिप लगा है हैदराबाद में। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, हैव अ गुड लाइफ। हैप्पी जर्नी बोलते हैं। हैप्पी जर्नी, ये जर्नी नहीं, जो फिटनेस का न्यू जर्नी है वो स्टार्ट हो गया है कल से, मतलब ये वीडियो में दिख गया होगा। हाँ मैंने दो दिन का शूट किया है क्योंकि लाइफ इज बिजी ऑल्सो। सो या दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें रखे प्लीज। कलर है खौफ चाहिए सर आता माझ्याकडे काहीच नव्हता। वाव अरे मग मी काय आईला सांगितलं, आईला फोन केला तुला सांग ए भाई रेकॉर्ड नको इसका इसके मेरे नहीं होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। क्या है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें एंड